पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आईपैड पे गेम खेलना बंद कर और काम पे ध्यान दे। हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बनने का, समझा? तो प्लीज मुझे एक भी डिले नहीं चाहिए और काम पे ध्यान दे। मैं जा रहा हूँ डिलीवरी करने, और इसको भी ठीक कर। हाँ हाँ ब्रो। अभी ब्रो को आने में बहुत टाइम है, तब तक मैं गेम खेल लेता हूँ। ये नो, तो अभी भी गंदे हैं। चलो दोबारा से साफ करता हूँ। सर के जूतों को क्या हुआ ब्रो? ब्रो अगर मैं इसे अलग से धोता तो बहुत टाइम वेस्ट होता और बाकी डिलीवरीज भी डिले हो जाती। इस वजह से मैंने इसको एक ही बैच में धो दिया ब्रो। अब ये क्या है? मेरे कलेक्टर्स एडिशन स्नीकर्स की क्या हालत कर दी तुम दोनों ने? बस तो थोड़ा सा ही तो कलर चेंज हुआ। थोड़ा सा? मेरे सफेद जूतों को सतरंगी बना के रख दिया है तुम लोगों ने। ये तुम लोग झालर हो के? हाँ? ये ठीक से काम करना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए थोड़ा। We are sorry. We apologize on behalf of our company, Mr. Nick. Company? अभी शुरू भी नहीं हुई और पर निकल आया तुम लोगों के। आप प्लीज ना गुस्सा मत कीजिए, हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है। गलती किससे नहीं होती है, और हम तो सिर्फ कुछ बड़ा करना चाहते थे ना। थॉमस एडिसन ने थोड़ी ना पहले ही अटेम्प्ट में फोन बना दिया था। ग्राहम बेल ने फोन बनाया था, थॉमस एडिसन ने बल्ब। नो वंडर तुम लोग पढ़ाई नहीं करते। 75,000 रुपीस के शूज। हर्षद भाई। हाँ? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे जूते जैसे थे वैसे के वैसे वापस चाहिए बस। वरना 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 75,000 रुपीस तैयार रखो। 75? तो पापा चाचू को समझाओ ना प्लीज। समझाता हूँ। लुक नीक, तेरे जूते तो अभी ठीक होने से रहे, 75,000 ही ले ले इनसे। इनसे? हाँ, गलती तुम लोग दोनों ने की है तो भुगतना भी तो तुम दोनों को ही पड़ेगा ना। पापा मुझे लगा था कि वी आर अ टीम। ओ टीम। ये बेटे तेरा बाप है ना शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता है, और मैं उन शेयर्स में पैसे लगाता हूँ जिनका भाव ऊपर जाता हो नीचे नहीं, और फिलहाल तुम दोनों तो नीचे ही जा रहे हो। कल तक पैसे तैयार रखना।
75,000. कहां से लाएंगे अब? पता नहीं राधिका, मेरे वो कुछ जूते कहां गए भाई, जो राजू ने मुझे दिए थे जब मेरा डायबिटीज बढ़ गया था ना। क्या ढूंढे? जूते। अच्छा, राजू ने जो दिए थे डायबिटीज, ये तो नहीं, ये तो नए, ये मेरे जैसे ही हैं। अरे ये तो एकदम नए जूते मेरे ही है ना। अरे ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी शोरूम से निकाल के लाए। ये मेरे अथर्व और विद्युत का कमाल है। वाह, ऐसे ही पुराने जूतों को नया जूता बनाते रहे ना, उनका बिजनेस तो सातवें आसमान को छू जाएगा। मुझे पूरा यकीन है अथर्व, ना देखना एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। राज जल्दी करो ना, मेरा ऑर्डर रेडी करना है मुझे। एक मिनट कर रहा हूँ मैं। डैडी। ओ दीदी। डैडी मुझे दो, मुझे मम्मी रिलैक्स करो थोड़ा। डैडी दो मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? बोलो। मुझे ना 75 रुपीज चाहिए। ओके। नहीं 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 1000। हाँ 75,000 किस लिए? वो बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया, बट इन्वेस्टमेंट मिलते ही मैं आपको तुरंत वापस कर दूंगा। तो फिर अशर भाई से मांगो ना, वो इन्वेस्टर है, मैं थोड़ी हूँ। वो उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, लास्ट ऑप्शन आठ बाकी थे, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या है, बिजनेस शुरू करने से पहले ना इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर नुकसान हो गया तो फिर भरपाई कैसे करोगे, है कि नहीं? डैडी बिजनेस में ना लॉस प्रॉफिट होता रहता है। अच्छा, आपकी तरह नौकरी नहीं करता हूँ जो मुझे स्टेबल सैलरी मिलेगी। प्लीज अब ज्ञान मत दो मुझे। ठीक है, मेरे पास नहीं। मेरे पास एक डील है। बोलो। अगर आप अभी के अभी जो 75,000 दोगे ना, तो मैं आपको 20% इंटरेस्ट के साथ वापस दूंगा। That means कि आपके पास टोटल 90,000 आएंगे। सही डील है ना? अथर्व ये इंटरेस्ट का गाजर मुझे मत दिखाओ, मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। मैं लालच की कहां से, छोड़ो। मम्मी सोचना भी मत, मेरे सारे पैसे मेरे बिजनेस में इन्वेस्टेड है, और ये जो घर है ना बेटा, ये तुम्हारी डैडी की स्टेबल इनकम वाली जो जॉब है ना, उससे ही चलता है। सखी दीदी। मेरी तरफ तो देखना भी, कॉलेज कैंटीन में मेरी 2 महीने की उधारी चुकानी बाकी। रू, तू ये क्या कर रहा है? अपने पर्सनल एसेट्स बेच रहा हूँ। क्या? यस ब्रो, जब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और उधार चुका नहीं पाती ना, तब फिर उसके ओनर्स पर्सनल एसेट्स बेचते हैं और बैंक का उधार चुका लेते हैं। जो मेरे पर्सनल एसेट्स है उनको अगर बेचूंगा तो 7,000 हो जाएंगे, बाकी के 68,000 कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता। सॉरी ब्रो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, एंड आई एम रियली सॉरी। पर तू चिंता मत कर, ये देख मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है। ये तो कोई सोल्यूशन है? हाँ ब्रो, यही सोल्यूशन हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये एक प्रीमियम शू क्लीनर है ब्रो,
लोग ना इससे अपने ब्रांडेड और महंगी महंगी स्नीकर्स क्लीन करते हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।